तो अब आपको मैं बताता हूँ टीम किस प्रकार लगाई जाती है। आपने थंबनेल में देख लिया किस बीच मुकाबला होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ टीम लगाना बहुत ही आसान है। आपको इस पर टिक कर देना है, यहाँ पर आप टिक करो, ये टीम लगा रहे हैं हम। फिर आपको क्या करना है, क्रिएट टीम इस पर टिक कर देना है। आपको क्रिएट टीम पर टिक करने के बाद आपको ये काम करना है, वो क्या काम करना है देख लीजिएगा। आपको यहाँ पर जो दिख रहा है ना पिच बैटिंग, इस पर आपको एक बार टिक कर देना है। इस पर टिक करने के बाद आपको क्या करना है, इस प्रकार आएगा। फिर आपको सी एल एक्सपर्ट टिप्स, इस टिप्स पर आपको टिक कर देना है। इस टिप्स पर आप टिक करोगे तो आपको एक टीम मिलेगी बहुत अच्छी सी, ये देख लीजिएगा। आपको इतनी अच्छी टीम मिल रही है। अब इस टीम को आप अच्छे से ध्यान से देख लो और इस प्रकार आप टीम लगा लेना। अगर इसमें कोई भी खिलाड़ी खेल नहीं रहा है, हर मैच में ये टिप्स कर सकते हो आप। किस प्रकार करनी है ये आपको बता दूँ, क्योंकि यहाँ से बैक करोगे सब हो जाए तो इसका सेकेंड शॉट ले लेना इस प्रकार, ठीक है ना। तो इस प्रकार सेकेंड शॉट लेने के बाद आपको क्या करना है, अपना ड्रीम लेवल ओपन करना है वापस। अब क्या करना है, इसको बैक कर देना है, यहाँ से इस प्रकार बैक करना है। अब अपना स्क्रीन शॉट है वो देखने के बाद इसमें क्या है, अफ बाबर, तो यहाँ से अफ बाबर को सिलेक्ट कर लेते हैं, अफ बाबर। फिर आपको बैटिंग पर चले जाना है, फिर इस प्रकार देखना है अमच डी एच, इस प्रकार आप सर्च कर लेना है इस प्रकार। इस प्रकार आप सारी टीम लगा लेना है इस प्रकार। फिर देखने अच्छा इस प्रकार, तो मैं लगा लेता हूँ पूरी टीम। और आप एक सोच सकते हो कि अगर आप वहाँ से देख रहे हो, फिर यहाँ पर आप देख रहे हो दो पॉइंट है तो उसको हटा देना है, और यहाँ से ज़्यादा पॉइंट हो उसको ले लेना है, ठीक है, ये भी याद रखना। और एक बात, आपको एल राउंडर चार लेनी है, ठीक है ना। फिर आपको बॉलर ले लेना है, बॉलर आप ले सकते हो, ठीक है, तो मैं बॉलर ले लेता हूँ। इस प्रकार लेने के बाद आपको नेक्स्ट टिक कर देना है। अब आपका टीम अच्छी सी बन चुकी है। अब कैप्टन और वाइस कैप्टन आप एल राउंडर में लगा लेना मेरे हिसाब से, और वैसे आप भी सोच, तो मैं एल राउंडर में लगाता हूँ कैप्टन और वाइस कैप्टन, और सेव करता हूँ। आप पैसे तभी कटाऊँगा जब, अभी आपको पैसे नहीं कटाना, जब क्या होता है कि पैसे हमें कटा देते हैं फिर भूल जाते हैं। आपको पैसे तभी कटाना है जब 5 मिनट रहे ना मैच चलने से, तब आपको पैसे कटाने, क्योंकि आप भूल जाओगे तो आपकी एंट्री फीस नहीं कटेगी। और इस प्रकार आप टीम लगाने से आपकी एंट्री फीस वापस आने की आ सकती है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, और चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर करें यार।